पब्लिक टीवी आपकी आवाज। चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद सजापुर के डीएम ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक अनोखी पहल शुरुआत की है, जिसके चलते प्रशासन के कर्मचारी न केवल गांव-गांव जाकर मतदाताओं को वोटिंग करने के लिए निमंत्रण पत्र बांट रहे हैं, बल्कि शिक्षिकाओं के हाथों में मेहंदी लगाकर मतदाताओं को जागरूक करने जुट गई है। मेहंदी लगाकर शिक्षिकाएं गांव-गांव वोटिंग बढ़ाने की मुहिम का संकल्प ले रही हैं, वहीं डीएम की मतदान परसेंटेज बढ़ाने के लिए इस मुहिम की शुरुआत से लोग उत्साहित भी हैं। सजानपुर में पिछले लोकसभा चुनाव में कई बूथों पर वोटिंग परसेंटेज 56% से कम रहा था, जिसके चलते डीएम अमृत त्रिपाठी ने जिले में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए न केवल डीएम के कर्मचारी गली गली घूम रहे हैं, बल्कि हजारों शिक्षिकाओं के हाथों पर मेहंदी रखकर मतदाताओं को जागरूक भी कर रहे हैं। दरअसल जिला प्रशासन ने जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने की इस मुहिम की शुरुआत कर चुके हैं। जनपद सजापुर में 29 अप्रैल को लोकसभा चुनाव की वोटिंग होनी है, जिसके चलते अभी से ही प्रशासन ने वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की शिक्षिकाओं के हाथों पर मेहंदी इसलिए रचाई गई ताकि मतदान के शुभ त्योहार पर शगुन मेहंदी से होने पर लोग रुचि ही नहीं बल्कि इस वोटिंग प्रतिशत बढ़ाकर गांव-गांव इस संदेश पहुंचा सकें। जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार एकत्रित हुए हैं हम लोग तक्षशिला पब्लिक स्कूल की तरफ से हैं। जैसे देश के सारे त्यौहार हम लोग खुशी के साथ मेहंदी लगा के मनाते हैं, ये देश का महात्यौहार है, इसलिए हम लोगों ने इसमें मेहंदी लगा के वोट देने का 100% मतदान करने का संकल्प किया है। और मेहंदी लगाकर जितने दिन मेहंदी रची रहेगी हम लोग को याद रहेगा कि हम लोग को मतदान करना है और इसको भूलना नहीं है। थैंक यू। जो अनुभव किया गया, देखा गया पहले रिकॉर्ड्स हैं कि महिलाओं का प्रतिशत कम होता है, तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए, क्योंकि मेहंदी महिलाओं का एक बहुत ज़्यादा पसंदीदा आभूषण कह सकते हैं आप, हर त्यौहार पे मेहंदी लगाते हैं तो इसको देश का महात्यौहार कहा गया है। तो मेहंदी के माध्यम से उनको हम बताना चाहते हैं कि जैसे आप हर त्यौहार पे मेहंदी लगाते हैं तो आज आपने मेहंदी लगाई और इस मेहंदी का रंग जो है वो आपको 8-10 दिन 15 दिन तक रहेगा आपके हाथ पे और आपको याद दिलाता रहेगा कि आपको 29 तारीख को जाकर के वोट डालना है। हर मनाते हम महिलाओं को मेहंदी लगाकर यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हमारी महिलाएं जागरूक हों और आगे से आगे वोट डालकर मतदाता बने और इस इलेक्शन का हिस्सा बने और हिस्सा बन करके आगे बढ़े और देश को भी आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दें। शाजापुर में 29 अप्रैल को मतदान है और विगत लोकसभा इलेक्शन में अनुभव किया गया कि यहाँ वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम था। उस परसेंटेज कम होने के पीछे महिलाओं का पार्टिसिपेशन कम था जनपद में, तो हम लोगों ने एक अनोखी पहल यहाँ पे की है जो निरंतर करते आ रहे हैं कि महिलाओं को मेहंदी लगा करके जागरूक कर रहे हैं और 29 तारीख की उनको याद दिला रहे हैं। इसी के क्रम में आज हमने सभी स्कूल की टीचर्स को, जो नई नियुक्त टीचर्स हैं, उनको यहाँ बुला करके ट्रेन भी किया है, उनको भी मेहंदी लगाई है, उनसे प्रण लिया है कि वो हर महिला वोटर जो उनके क्षेत्र में आती है उनको मेहंदी लगा करके उनको प्रेरित करेंगे कि वो 29 तारीख को अपने घर से निकल करके मतदान जरूर करें और शाहजहाँपुर जनपद का पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में मैक्सिमम वोटिंग परसेंटेज लाएँ। इसके लिए हम लोगों ने एक नया गाना भी लॉन्च किया जो हमारे सीडीओ साहब ने लिखा है और एक बहुत बड़े सिंगर हैं, उन्होंने सीडीओ के अनुरोध पे इस गाने को कंपोज भी किया है और हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि आप लोगों के सहयोग से, जन सामान्य के सहयोग से महिलाओं को जागरूक करते हुए 100% वोटिंग कराने का प्रयास करें। टीके के नुक्कड़ कार्यक्रमों के तहत ये निरंतर वोटिंग के 3 दिन पहले तक ये कार्यक्रम चलेगा और मुख्य उद्देश्य है कि गाँव गाँव तक इसकी पहुँच जानी है, तभी हमारा वोटिंग परसेंटेज